मैं जैसे यहाँ पर आया हूँ वह सेंधवा में हमको 26,000 के समथिंग बताया और यहाँ 11,000 11,500 के लगभग मिल गया वही सामान हमारे को, और अच्छी क्वालिटी का मिल गया बढ़िया, और गारंटी के थ्रू मिल गया हमारे को 2 साल की पूरी गारंटी, 2 साल 2 साल की गारंटी भी दे रहे, चीज़ भी अच्छी है। यहाँ लोगों का अच्छा बोलना चलना भी अच्छा लगा इन लोगों का, सर लोगों ने भी अच्छी चीज़ समझाई हमको। ज़्यादा तो तौर पे जो सब्सिडी का प्रकरण होता है ना उसमें ये दिक्कतें आती है कि वो किसानों को बोला जाता है कि आपको आधा पैसा मिलने वाला है, तो उनको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है हाँ वो चीज़ भी दे, वो चीज़ भी दी जाती है। रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए देखिए, आप आपके गांव में जो ड्रिप लेते हैं वही ड्रिप है, बराबर वही ड्रिप है, उससे अच्छी है बल्कि ये 11,500 में आपका वीडियो देखा हमने, और वही जैसा हमने सेंधवा में पूछा है वो 26,000 के लगभग समथिंग बता रहे हो, तो उसमें इसमें ये ऐसा आप लोग इतने कम में कैसे दे रहे हो। बराबर, तो सर आप पहले ये बताइए आप कहाँ से आए और आपका नाम क्या? हाँ मेरा नाम संतोष हरचंद माली है, ग्राम बाबदर तहसील सेंधवा जिला बड़वानी में आता। ठीक है, तो सर आपके मन में जो सवाल आया ना ये बहुत उचित सवाल है। हाँ। तो कैसे सर मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि यहाँ पे जलगांव में हम उन लोगों में से कि जिन्होंने पहले ड्रिप बनाना शुरू किया, बराबर, और आज 15-20 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, तो सबसे पहले तो हम क्या बोलते हैं, बारिश है धूप है या क्या है, हमको फैक्ट्री चालू रखनी है। बराबर, मतलब मोटा मोटी 365 दिन अगर फैक्ट्री चल मतलब साल में रहते हैं तो नॉर्मल फैक्ट्री चलती है 300 दिन, हम बोलते हैं कि हमारी 330 दिन चलनी चाहिए, तो इससे क्या होता है कि पहले तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम हो गया, तो ऐसा सब करके तो पहले हमने इकोनॉमी पकड़ी है। दूसरी कि आपके गांव में दिक्कत क्या है सर कि आपका जो भी दुकानदार है उसको मालूम है कि यार महीने का अपने को 20 एकड़ बेचना है 30 एकड़ बेचना है, तो वो उस हिसाब से उनके प्रॉफिट लगवाते हैं। बराबर, कि भाई 1 एकड़ में कम से कम 4,000-5,000 रुपये मिलने चाहिए, हमारा ऐसा है कि रोज का 200 एकड़ बेचना है। बराबर, अलग अलग लाइन्स है, गोल इन लाइन है, पट्टी इन लाइन है, रेन पाइप है, तो उस हिसाब से हम क्या बोलते हैं भैया हमको 200-300 रुपये भी एकड़ मिला तो हमारा तो इकोनॉमी हो जाती है, वो एक हो गया। और सर ये सब चीज़ें जाने दो, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, नॉलेज। मतलब आप भी यहाँ आए होंगे तो हमारे लोगों ने आपके साथ ऐसा नहीं किया होगा कि हाँ बोलो 1 एकड़, हाँ 1 एकड़, आपको कुछ सवाल पहले पूछे होंगे। हाँ, बराबर वही पूछा आपका अनुभव में, मतलब आप हाँ या नहीं में बोलो कि पहले आपको कुछ सवाल पूछे होंगे। हाँ, उन्होंने पूछा भाई आपको कितने एकड़ में चाहिए, कैसे चाहिए, पानी का सोर्स कौन सा है, पानी की मोटर कितने एचपी की है, पाइपलाइन कहाँ तक हुई है, प्रेशर कितना है, आप फसल लगवा रहे तो 2 फसल में का अंतर कितना है, 2 सरी में का अंतर कितना है, तो इससे क्या हो जाता है कि आपको सही चीज दी जाती है। सही बात है, कई बार मैंने देखा है कि अपन जब आपके अपने गांव में जाते हैं, और मैंने विशेष करके मैं ऐसा उदाहरण दूंगा कि जो ज़्यादा दिक्कत करता है वो पैच का, कि पैच भाई 1-1 फीट 1.25-1.25 फीट पे लगवाते हैं, लेकिन कई बार मालूम नहीं तो लोग उसको 2 फीट का ड्रिप दे देते हैं। हाँ, पर उसके बाद हमारे लोगों ने आपको पूछा होगा कि भाई आपका पानी का सोर्स कौन सा है। भाई अगर आपका पानी का सोर्स बोरिंग का है तो आपको सैंड फिल्टर की जरूरत नहीं है। हाँ, बोरिंग भी है और कुआ भी, हमारा दोनों है। बराबर बराबर, तो ज्यादा तो तौर पे जो सब्सिडी का प्रकरण होता है ना उसमें ये दिक्कतें आती है कि वो किसानों को बोला जाता है कि आपको आधा पैसा मिलने वाला है, तो उनको जिस चीज की जरूरत नहीं है हाँ वो चीज भी दे, वो चीज भी दी जाती है। बराबर बात है, वही वही सब्सिडी का वही रहता, हमारा जैसे सब्सिडी करवाई पर उसमें हुआ ही नहीं। और कुछ चीजें बाद में पता चलती है आप लोगों को कि पहले तो आपको जीएसटी मिलने वाला नहीं है, बराबर, कुछ सामान सब्सिडी में पकड़ने वाले नहीं है, पहले तो सब बता देते कि हाँ ये मिलेगा, और बाद में जब काट कूट के पैसा आता है तो फिर आप लोगों को परेशानी हो जाती है। हमारे एक मित्र है नागपुर के, उनको यही परेशानी हुई, उनके यहाँ वो मौसम्बी का पेड़ है संतरा का, तो उधर 2 लाइन डालते हैं, तो उस मेरे अच्छे दोस्त है, लेकिन नहीं भाई सब्सिडी में करना, कर लिया 4 महीने पहले, अभी बोलते यार पैसा नहीं आ रहा मेरा, और पैसा आने वाला है तो बोले कम आने वाला है, क्यों? तो सबसे पहले तो जीएसटी मिलने वाला नहीं सब्सिडी में, जो भी जीएसटी दिया है। दूसरा कि एक ही नली का पैसा मिलेगा, जो दूसरी नली डाली है उसका पैसा नहीं मिलेगा, तो ये वजह से महंगा हो जाता है। अभी हमने क्या किया है सर कि देखो हमारे प्रोडक्ट आप देखेंगे ना तो ज़्यादा क्वालिटी नहीं बनाई है,
कि भाई जो भी बनाया है उसको क्वांटिटी में बेचने की कोशिश करते हैं, तो हमारा बैच वगैरह का इशू अब कम हो जाता है, स्टॉक कम हो जाता है, डेली माल आता है, डेली बेचा जाता है। और ये नॉलेज देने से क्या होता है, या आपसे अच्छी रिक्वायरमेंट लेने से, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है ये अच्छे से पता करने से क्या होता है कि जो चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है वो नहीं दिया जाता। बराबर। अभी जैसा कि अगर आपका बोरिंग का पानी नहीं है मान लो, तो भी आपको कई किसानों को शंकु फिल्टर दिया जाता है, हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, तो अरे भाई सिर्फ बोरिंग में, वो भी कुछ कुछ एरिया में ये प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे शंकु फिल्टर या हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर लगवाना पड़ता है। तो ये ज़रूरत मतलब सबको कैसे दे देते आप लोग, तो ये मतलब ये वजह से ये सब देख के इकोनॉमी पकड़ के आज इतने मतलब क्वांटिटी में माल बना रहे, सीधा कंपनी तो फार्मर बेच रहे, ये भी एक बड़ी चीज़ है। क्योंकि सर बाकी मतलब लोगों को क्या दिक्कत है कि पहले होलसेलर को दो, फिर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देगा या फिर रिटेलर को देगा, फिर वो आपके तरफ आएगा, अभी हर एक का तीन तीन चार चार हजार रुपए एकड़ भी पकड़ा तो खर्चा महंगा हो जाता है। या डायरेक्ट लेने, हम तो डायरेक्ट दे रहे भाई कंपनी टू फार्मर, किसान, हाँ, किसानों का फायदा। तो हम क्या बोलते भाई, ये जो भी पैसा ही अपन बचा सकते हैं और हम बचाते हैं आपके लिए। नहीं नहीं बराबर, बहुत अच्छी फायदे की चीज है और किसान का फायदा ये, वहाँ डायरेक्ट दुकान से लेने से डायरेक्ट यहाँ लेके, यहाँ से। और सर मतलब जो ऐसा मतलब पहले दिक्कत आई हमको भी कि भाई सिर्फ नली बनाई, फिर सिर्फ नली लेके किसान के पास गए तो किसान बोलता है कि भैया बाकी तो हमको गांव से लेना है तो महंगा पड़ रहा है। फिर हमने पूरी एसेसरीज बनाई, लोहे का फिल्टर बनाया, प्लास्टिक का फिल्टर बनाया। अभी प्लास्टिक का फिल्टर की आपको बात करनी चाहो ना, तो जो भी सब्सिडी में फिल्टर मिलता है अच्छे कंपनी का, मैं हल्के कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ही फिल्टर हम देते हैं उससे आधे रेट में। फिर सब्सिडी का फायदा क्या, नहीं मतलब भी नहीं ना, सब्सिडी में होता मतलब भी नहीं। जो ओपन मार्केट में एक रुपए में चीज मिल रही है उसका पहले बोलने का चार रुपया और बोलने का दो रुपया वापिस आएगा, भाई एक रुपए में मिल रहा है ना चीज, फिर वही एक रुपए में लेने से अपना फायदा डायरेक्ट है, इसलिए हम यही आए। सेंधवा भी जानकारी निकाली हमने, बराबर उन्होंने 26 से 30 हजार के बीच में बताया। ओके, और हमारा कितना गया, ये आपका 11,500। चलो बढ़िया है सर। तो सर यहाँ पे आप आए, आपने पूरी जानकारी ली, तो हमारे लोग आपको अच्छे से जानकारी दे पाए। हाँ, अच्छे जानकारी दी, बढ़िया, हमको समझा भी, उसके बाद सामान भी लिया हम लोगों ने। बराबर सर, कई काफ़ी सारे लोगों को एक दिक्कत रहती है कि भाई वीडियो में तो कुछ दिखाया होगा, तो जो वीडियो में आपने भी हमारी वीडियो देखी थी, तो जो वीडियो में देखा था वही क्वालिटी यहाँ पे मिली आपको। हाँ, बराबर वही क्वालिटी मिली। चलो बढ़िया है सर। और कुछ सवाल है आपके? बस वही सवाल चाहिए सर, कुछ अगर आप यहाँ पे आए, आपका जो भी अनुभव है क्वालिटी के बारे में, हमारे लोगों के बारे में, तो वो थोड़ा आप किसानों को बताएंगे आपके भाषा में, मतलब वो लोगों को भी समझना चाहिए कि मैं जैसे यहाँ पर आया हूँ, वह सेंधवा में हमको 26,000 के समथिंग बताया और यहाँ 11,000 साढ़े 11,000 के लगभग मिल गया वही सामान हमारे को, और अच्छी क्वालिटी का मिल गया, बढ़िया, और गारंटी के थ्रू मिल गया हमारे को, 2 साल की गारंटी, पूरी गारंटी, 2 साल, 2 साल की गारंटी भी दे रहे, चीज़ भी अच्छी है, यहाँ लोगों का अच्छा बोलना चलना भी अच्छा लगा इन लोगों का, सर लोगों ने भी अच्छी चीज़ समझाई हमको। और सर कैसा है कि ये जो चीज़ें हम आपको बता रहे, जैसे कि अभी आपको 4 महीने बाद भी एक कॉल आएगा हमारे तरफ से कि भैया आपने ऐसी ट्रीटमेंट की क्या, आप फिल्टर साफ कर रहे कि नहीं, तो इससे क्या होता है कि लाइफ मिलती है। हमारा उद्देश्य क्या है कि ऐसा नहीं यार ये सस्ता है तो हल्का है, ये वही चीज़ है। मैं तो चैलेंज करता हूँ सभी लोगों को, मैं चैलेंज क्या रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए देखिए, आप आपके गाँव में जो ड्रिप लेते हैं वही ड्रिप है, बराबर वही ड्रिप है, उससे अच्छी है बल्कि टेक्निकली हम जानकार है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बराबर है ना। तो ये तरीके से, तो सर आप आए, अच्छा लगा, आपने वीडियो बनाने की परमिशन ली, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद।